महत्वपूर्ण जल संधि जो पिछले किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हैं, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या एक देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है? एक का आंसर हो जाएगा डी, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो दो का आंसर हो जाएगा ए, डेविस जल संधि। प्रश्न संख्या तीन देखेंगे। कौन सा जल डमरू मद ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को पृथक करता है, मतलब अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करता है कौन सा? तो तीन का आंसर हो जाएगा ए, बॉस जल डमरू मद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है पाक जल डमरू मद। क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, मतलब अलग होते हैं? तो पाँच का आंसर क्या हो जाएगा? डी, बेरिंग जल डमरू मद के द्वारा पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर छः देखेंगे। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर सात देखेंगे। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? यूरोप को अफ्रीका से कौन सा पृथक करती है? जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे। सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, उनमें से एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? एक द्वीप जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? एट का आंसर हो जाएगा डी, दूसरा द्वीप क्या है? सुमात्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे। जल डमरू मद कहलाता है, मतलब क्या कहलाता है? नौ का आंसर हो जाएगा ए, दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा को जल डमरू मद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दस देखेंगे। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है, मतलब जोड़ती है? तो दस का आंसर क्या हो जाएगा? ए, अंडमान सागर तथा दक्षिण सिंध सागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि। क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखेंगे, जो सुमेलित करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह है तो जिब्राल्टर जल संधि क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर यूरोप क्या हो जाएगा? अफ्रीका व यूरोप के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि, अफ्रीका व यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि किसके बीच हो जाएगा? बी का हो जाएगा ए, इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य। हारमुज जल संधि किसके? फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के। और बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। इस तरह एक का तीन, बी का वन, सी का फोर, डी का दो। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा और सारे इम्पोर्टेंट हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।